माननीय सदानंद जी सप्रे, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य प्रज्ञा प्रवाह भाई साहब का आज उद्बोधन अपने को मिलने वाला है, अखंड भारत दिवस और उसकी परिकल्पना क्या है, तो इस विषय में भाई साहब से निवेदन है, वो अपने विचार रखेंगे। सब लोगों को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और कल अपना स्वाधीनता दिवस उत्साह से मनाया जाएगा। इसमें आज के विषय से संबंधित न होते हुए एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में थोड़ा अंतर है। स्व अधीन है तो स्वाधीन हो गए, लेकिन यदि पुराना ही तंत्र चल रहा है, वह शिक्षा जगत का हो, अर्थ जगत का हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, ये सारे तंत्र यदि पहले जैसे थे अंग्रेजों के समय उसी प्रकार से चल रहे हैं, तो हम सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हुए। तो तंत्र को भी भारतीयता से जोड़ना, ये लंबी प्रक्रिया रहती है, थोड़ी चल भी रही है, लेकिन उसकी गति बढ़ाने में हम सब लोगों ने जो देश के लिए सोचते हैं कुछ न कुछ योगदान इस तंत्र को भारतीय बनाने की दिशा में करना चाहिए। हर एक का अपना अपना क्षेत्र होता है, तब हम कहेंगे कि स्वाधीनता से अब हम स्वतंत्र हो रहे हैं। वैसे स्वाधीनता का यह जो विषय है, साधारणतः जो कुछ स्थान छोड़कर, कुछ लोग छोड़कर या कुछ संगठन छोड़कर अन्य कहीं भी स्वाधीनता के साथ जुड़ा हुआ जो दुखद पहलू है विभाजन का, उसके बारे में विचार नहीं होता है। साधारणतः बड़ा दुखद प्रसंग है, एक अपनी मातृभूमि का विभाजन हुआ। हम मां मानते हैं और उसी के अंग टूट जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बेटे को बुरा लगता है, लगना चाहिए। भारत में भी विभाजन अच्छा हुआ ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग होंगे। विभाजन के कारण दुख हुआ है, दर्द हुआ है, ऐसे ही अधिकांश लोग हैं। लेकिन फिर भी इस विषय पर विचार क्यों नहीं किया जाता है, इसका थोड़ा सा हम सोचेंगे तो ध्यान में आता है कि उसका कारण यह है कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है, तो क्या किया जा सकता है। लेट अस एक्सेप्ट इट। तो विचार ये रहता है कि अब ये जो हो गया, अब इसको दोबारा पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, असंभव श्रेणी का मानते हैं। और जब तक असंभव श्रेणी का मानते हैं, तब तक उस दिशा में कुछ विचार करना, उसकी क्या आवश्यकता है, ये लोगों को लगता है। इसलिए भी यही मुख्य कारण कि स्वाधीनता दिवस के समारोह में कहीं भी भारत विभाजन से संबंधित बात नहीं होती है, लेकिन ये बात करनी होगी। हमको ऐसे असंभव के संभव हो गए, ऐसे कुछ उदाहरण जब दिखते हैं, तब लोगों को ध्यान में आता है, वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, वो बात भी असंभव थी, आगे चल करके हो गई। तो आज हमें भारत का फिर से अखंड होना असंभव लग रहा है, तो आगे चल के 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कभी कभी फिर व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मेरे जीवन काल में तो नहीं हो सकता, तो काहे के लिए मैं झंझट में पड़ूं। लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है तो उस घटना के समय जो लोग उसमें शामिल थे, केवल उनके कारण वो घटना नहीं होती है, उनसे भी पहले अनेक लोग रहते हैं जिन्होंने उस दिशा में प्रयास किए, और उन सब का सम्मिलित प्रतिफल इस रूप में वह घटना घटित होती। जैसे भारत स्वाधीन हुआ, तो भारत को स्वाधीनता किनके कारण मिली, तो 1947 के समय जो जीवित थे और स्वाधीनता के लिए प्रयासरत थे, क्या केवल उन्हीं के कारण स्वाधीनता मिली हमको? तो ध्यान में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लंबा इतिहास रहा है, उस सारे इतिहास में हजारों लाखों लोगों ने उस दिशा में प्रयास किए हैं, आज वे जीवित नहीं है, लेकिन उन सारे प्रयासों के फल स्वरूप हम स्वाधीन हुए हैं। केवल 47 में जो लोग जीवित थे उन्हीं के कारण नहीं, उनका भी योगदान है, पहले के लोगों का भी योगदान है।
तो ऐसे जो लंबे समय बाद होने वाली घटना रहती है उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। इस दिशा में देखेंगे तो दुनिया के इतिहास में दो तीन उदाहरण है। संक्षेप में विचार करेंगे तो इजराइल का उदाहरण अपने सामने आता है। 1700-1800 साल तक उन्हें तो उनकी भूमि से भी भगा दिया गया था। उनका देश इजराइल में एक भी यहूदी नहीं रहता, सब इधर उधर चले गए। भारत में भी कुछ आए थे, अन्य जगहों पर भी गए, दुनिया के अन्य अन्य देशों में गए। अब उनके लिए फिर से वापस इजराइल में जाना यह असंभव श्रेणी की बात थी कि नहीं थी? थी। और कितने पीढ़ी तक उन्होंने उस बात को हृदय में संजो के रखा? 60-70 पीढ़ियां उनकी बीत गईं, लेकिन उन लोगों ने, हमारा इजराइल है, हम उस भूमि पर वापस जाएंगे, यह बात कभी भी वे लोग भूले नहीं। और अगली पीढ़ी, हर पीढ़ी को उस बात को भूलने नहीं दिया गया। कोई उनसे पूछता होगा कि भाई आप कैसे जाओगे, कब जाओगे? बोले कब जाएंगे नहीं बता सकते, कैसे जाएंगे नहीं बता सकते। तो फिर जाओगे? हाँ हाँ जाएंगे, जरूर वापस अपने भूमि में जाएंगे। और यह जो संकल्प रहता है, यह जो टीस पीड़ा रहती है उस बात की, वह यदि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है तो आगे चल करके जब उसके लिए अनुकूल प्रसंग आता है उस समय पर वह बात हो सकती है, की जा सकती है। अपने भी यहां भी देखिए, स्वाधीनता संग्राम में वासुदेव बलवंत फड़के जैसे, राम सिंह कूका जैसे जो महापुरुष हुए 19वीं सदी में, 1857 का स्वातंत्र युद्ध असफल हुआ, अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद के कुछ वर्षों में ये दो महापुरुष हुए, उदाहरण के लिए मैं, अन्य अनेक भी हैं उसमें, उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि मेरे जीते जी भारत स्वाधीन नहीं हो सकता। जैसे वासुदेव बलवंत फड़के, राम सिंह कूका, इनको मालूम था कि मेरे जीते जी मेरे जीवन काल में भारत स्वाधीन नहीं होगा, और फिर भी उन्होंने जान लगा दी, जान न्योछावर कर। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे ये दिख रहा था कि मेरे जीवन काल में यह नहीं हो सकता, वैसे उनका एक दृढ़ विश्वास था कि आगे चलकर 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जितना भी समय लगे, मेरी भारत माता फिर से स्वाधीन होगी। 3 पीढ़ी लग जाए, 4 पीढ़ी लग जाए, जितना भी होता है, ऐसी ही सोच के कारण इन सब महापुरुषों ने, जो प्रारंभिक काल में, स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक काल में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनका यही विचार रहा था। और इसीलिए 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो इन सब लोगों का उसमें योगदान है। आज हमको भारत का अखंड होना असंभव दिख रहा है, अपने जीवन काल में होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या हमने अब उस दिशा में कुछ नहीं करना कि अब मेरे जीते जी तो हो ही नहीं सकता, मैं काय को झंझट में पड़ू, मैं क्यों करूं? एक ये सोच होती है, और दूसरी वो राम सिंह कूका, वासुदेव बलवंत फड़के वाली सोच होती है कि मेरे जीवन काल में नहीं होगा, आगे कभी कभी तो होगा ना। तो उसमें इन सब योगदानों का वह एक संकलित परिणाम रहेगा, तो मेरा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, ऐसी सोच के साथ, जैसे स्वाधीनता के